पड़ोसी देशों से संबंधों में सुधार के लिए भारत सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से कई प्रयास कर रही है और इस बार संबंधों की बेहतरी का माध्यम बना है प्याज। जी हाँ, वही प्याज जो इन दिनों हमारी और आपकी थालियों से दूर हो चुका है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। इन दिनों देश प्रदेश में प्याज की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। बाजार में प्याज की किल्लत को देखते हुए सरकार अब अन्य मुल्कों से प्याज आयात करवा रही है। इसी कड़ी में पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल जिले झाबुआ समेत कई बड़ी मंडियों में इन दिनों अफगानिस्तान का प्याज पहुंच रहा है, जिसका रंग और वजन आम ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हालांकि उसके स्वाद के साथ कीमत में भी कोई खास अंतर नहीं है। स्थानीय दुकानदार हाजी मुबारक ने बताया कि अफगानिस्तान से आए प्याज की कीमत 120 रुपए प्रति किलो है, वहीं देसी प्याज की कीमत बाजार में 100 रुपए प्रति किलो है। लोग अफगानी प्याज के रंग और वजन के चलते इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। प्याज सर बहुत महंगा चल रहा है, हर व्यक्ति को महंगा लग रहा है। क्या भाव कम नहीं हो रहे हैं? अब वो आया ना सर, वो भी 120 रुपए किलो है। ये वाला प्याज आया अफगानिस्तान से आया, ये तो ये 120 रुपए किलो है। वजन का भारी है लेकिन लोग बड़े शौक से ले जा रहे हैं। नहीं, कोई फर्क नहीं है, देसी 100 रुपए किलो है और ये 120 रुपए किलो है। आपको बता दें कि देश में इन दिनों प्याज की जबरदस्त किल्लत देखने को मिल रही है, जिसके कारण इसकी कीमतों में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई। मांग और आपूर्ति को समान करने के लिए सरकार अफगानिस्तान, मिस्र और तुर्की से प्याज आयात करवा रही है। हालांकि फिलहाल प्याज की कीमतों में नरमी के कोई आसार नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, झाबुआ।